वेलकम टू द लॉजिकल टॉक। हम में से कई लोग होते हैं जिनकी साइंस और इंग्लिश की क्लास हॉलीवुड मूवीज़ और साइंस फिक्शन टीवी शोज में ही लगती है, और हम में से कई लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश बोलना सीखना और समझना हॉलीवुड मूवीज़ और इंग्लिश टीवी शो से सीखा है, इंक्लूडिंग मी। और धीरे धीरे समय के साथ मूवीज़ में, टीवी शोज़ में जो हमें चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनके पीछे कोई ना कोई साइंस होती है, उन चीज़ों में फैक्ट और फिक्शन में फ़र्क बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आजकल जो भी हमें मूवीज़ दिखाई जाती हैं, जो भी हमें टीवी शोज़ देखने को मिलते हैं, उन सभी में कोई ना कोई मिथ जुड़ी होती है साइंस से रिलेटेड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो भी हम मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई भी हम टीवी शो देखते हैं उनके पीछे जो साइंस एलिमेंट है उनमें मिथ क्या है और फैक्ट क्या है। तो शुरू करते हैं। मिथ नंबर वन, और ये इस वीडियो की वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स में से एक है, द सन इज येलो। फिल्मों में, टीवी शो में हमेशा हमें ये दिखाया जाता है कि सन येलो कलर का है, और इसमें फिल्म मेकर्स की भी गलती नहीं है। स्कूल में भी हमें यही सिखाया जाता है कि सन येलो होता है, लेकिन जहाँ तक रही फैक्ट की बात तो सन का कलर बेसिकली वाइट है, लेकिन जब हम अर्थ पर रह के सन को देखते हैं तो सन हमें अलग अलग रंगों का दिखाई देता है अलग अलग समय पे। कभी कभी ऐसा होता है जब हम शाम के समय सूरज को देखते हैं तो वो हमें हल्का लाल रंग का दिखाई देता है, और कभी कभी होता है जब हम दिन के समय सूरज को देखते हैं तो हमें पीला कलर का दिखाई देता है। लेकिन अगर हम रियलिटी में सन का कलर बताएं तो वो वाइट कलर का होता है, और सन का वाइट कलर सिर्फ स्पेस से दिखता है। तो ऐसा हो सकता था कि मूवीज़ और टीवी शोज में हमें ये फैक्ट बताया जाता कि सन हमेशा वाइट रंग का ही होता है, लेकिन हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर की वजह से सन से जो वाइट कलर की रेज आती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सन अलग अलग रंग का दिखाई देता है अलग अलग समय में, और फिल्मों में भी हमें सन येलो कलर का ही दिखाया जाता है हमेशा। मिथ नंबर टू, और इस मिथ से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को रियलिटी भी मानने लगते हैं, और ये मिथ है साइलेंसर्स जो होते हैं, जब हम उन्हें गन में लगा देते हैं तो साइलेंसर्स गन को कम्प्लीटली साउंड प्रूफ बना देते हैं। फिल्मों में हमेशा हमें ये दिखाया जाता है, जब भी फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट एक्शन में आता है और दुश्मनों को मारने जाता है, तब वो गन में सप्रेशर लगाता है और वो अपने मिशन पे चला जाता है। वहाँ पे मिशन में वो लोगों को मारता है, और सप्रेशर लगाने से उसे ये फ़ायदा होता है कि जब भी वो अपने दुश्मनों को मारता है तो दूसरे जो लोग होते हैं उन्हें पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम फैक्ट की बात करें तो ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। जब भी गन में, रियलिटी में सप्रेसर लगाया जाता है और गन शॉट किया जाता है, फिर भी उसमें से इतनी आवाज़ आती है जिससे वो रिकॉग्नाइजेबल होता है। अब कई सारी फिल्में होती हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि गन में सप्रेसर लगाने से आवाज़ पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में हमें यही देखने को मिलता है और ज़्यादातर लोग भी यही मानते हैं कि गन में सप्रेसर लगाने से आवाज़ पूरी तरह से दब जाती है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। मिथ नंबर थ्री, ये मिथ साइंस फिक्शन मूवीज़ की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मिथ्स में से एक है, और जो भी साइंस फिक्शन मूवीज़ होती हैं जो स्पेस से रिलेटेड होती हैं, जिनमें हमें ये दिखाया जाता है कि जब भी स्पेस क्राफ्ट एस्ट्रॉइड्स की बिल्ड से जाता है तब हमें बहुत सारे करोड़ों एस्ट्रॉइड दिखते हैं, और स्पेसशिप को उन एस्ट्रॉइड के उस पार ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कई सारी फिल्में होती हैं जिनका मेन पर्पज़ यही होता है कि इस स्पेसशिप को हम इस एस्ट्रॉइड की बेल्ट से उस पार कैसे ले जाएंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। फिल्मों में हमें ये दिखाया जाता है कि मार्स और जुपिटर के बीच बहुत ही ज़्यादा बड़ी एस्ट्रॉइड्स की एक बेल्ट है जिसको पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि रियलिटी है। लेकिन फिल्मों में हमें जैसा दिखाया जाता है एस्ट्रॉइड की बेल्ट, वैसा रियलिटी में नहीं होता। अगर आप सच में एक स्पेसक्राफ्ट में हैं और आप अगर स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके एक एस्ट्रॉइड से टकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। आप अपनी स्क्रीन पर भी एक फ़ोटो देख रहे हैं, और इस फोटो में आपको जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है और जो रियलिटी में एस्ट्रॉइड्स होते हैं उनकी फ़ोटो दिख रही है, और आप समझ पा रहे हैं कि हमें फिल्मों में कितना ज़्यादा फैक्चुअल मिसगाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं मिथ नंबर फोर की। हॉलीवुड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी है जुरासिक पार्क, लेकिन जुरासिक पार्क मूवी का मेन प्रीमाइस ही बहुत ही बड़ी साइंटिफिक मिथ के ऊपर बेस्ड है। मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ मॉस्किटोस एम्बर के अंदर पैक्ड होते हैं और वो डायनासोर का ब्लड पिए हुए होते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर डायनासोर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन मॉस्किटोस के अंदर डायनासोर का डीएनए आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग उस जमाने में डायनासोर को क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन अगर हम फैक्ट की बात करें तो रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी मॉस्किटो के अंदर डीएनए का प्रिजर्व होना, क्योंकि उसने किसी का खून पिया है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, करोड़ों साल के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। जेनेटिक डीएनए का प्रिजर्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और किसी भी एक पत्थर के अंदर और किसी इंसेक्ट के अंदर किसी ऐसे जीव का डीएनए जो करोड़ों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है पाया जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल, या फिर इम्पॉसिबल सी ही चीज़ होती है। मिथ नंबर फाइव, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है जो स्पेस मूवीज़ में जो फाइटें होती हैं उनको बहुत इंजॉय करते हैं, और ऐसे लोग जो स्टार वॉर्स के फ़ैन हैं उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी शॉकिंग हो सकती है। तो
हमें फिल्मों में ऑफन ये दिखाया जाता है कि जब भी लोग कोई भी फाइट करते हैं तो उनमें जब गन या फिर नॉर्मल वेपन्स काम नहीं करते हैं तब ऐसे वेपन्स आते हैं जो लेजर्स के द्वारा दुश्मनों को ख़त्म करते हैं, और जब लेजर्स वेपन आते हैं तो वो तबाही मचा देते हैं और फिल्म का प्रोटैगनिस्ट जीत जाता है किसी भी फाइट को, या फिर फिल्म का जो मेन मोटिव होता है, मेन एम होता है, वो सच्चाई की जीत हो जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे फैक्ट और फिक्शन में फ़र्क ये है कि हमें फिल्मों में ऑफन ये दिखाया जाता है कि लेज़र बीम्स जो होती हैं वेपन्स में वो कई कलर की होती हैं, कई अलग अलग रंग की होती हैं, बेसिकली सबसे ज़्यादा हार्मफुल लाल रंग की होती है, हमें ऐसा दिखाया जाता है, और कई रंग की लेज़र बीम होती हैं। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें, इसके पीछे फैक्ट की बात करें, तो रियलिटी में लेज़र बीम्स का कलर उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं। रियलिटी में लेज़र बीम्स का कोई कलर नहीं होता है, और हमें फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि लेज़र बीम्स का कलर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेज़र बीम का कलर उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में है, मतलब कि कलर मीडियम का होता है, ना कि लेज़र बीम का। मिथ नंबर 6, ये मिथ मैंने अपनी वन ऑफ द फेवरेट एक्शन एडवेंचर मूवी से उठाई है, और ये मिथ एक स्पेसिफिक मूवी से है जिसका नाम है जुरासिक पार्क। तो जुरासिक पार्क में एक सीन आता है जहाँ पे टीरेक्स नाम का जो डायनासोर होता है वो ऐसी चीज़ों को नहीं देख पाता है जो मूविंग नहीं है। तो फिल्म में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि जब टीरेक्स तबाही मचा रहा होता है और डायनासोर उन चीज़ों को नहीं देख सकता है जो मूव नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो उन चीज़ों को नहीं देख पा रहा है जो मोशन में नहीं है, और फिर वो लोग एक जगह पे स्टील हो जाते हैं जिसकी वजह से टीरेक्स डायनासोर उन लोगों को नहीं देख पाता है। तो अब हम फैक्ट की बात कर लेते हैं, रियलिटी की बात कर लेते हैं। तो टीरेक्स का वैसे फुल फॉर्म होता है टायरानोसॉरस रेक्स, और ये जो डायनासोर है वो डायनासोर्स का किंग होता है। तो फैक्ट की बात ये है कि डायनासोर्स का जो विजन होता है वो इंसानों के विजन से 13 गुना ज़्यादा बेहतर होता है, और वो लोग अपनी प्रे को, अपने खाने को करीब करीब 6 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। तो अगर हम ये कोशिश करते हैं कि उनके सामने अगर हम स्टील हो जाएंगे और वो हमको नहीं देख पाएंगे, तो ऐसा करना वो हमारी जान नहीं बचाएगा, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो पाएगा कभी भी अगर हम डायनासोर से मिलते हैं कभी फ्यूचर में। मिथ नंबर 7, और ये मिथ वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स में से एक है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो इस मिथ को सच में साइंस की रियलिटी मानते हैं। तो सबसे पहले हम एक फिनोमिनन के बारे में जान लेते हैं। जब भी हम मून को देखते हैं कभी भी, तो मून का हमें सिर्फ एक साइड दिखता है, वो इसलिए क्योंकि मून हमारी अर्थ से टाइडली लॉक है। इसका मतलब क्या है? मून अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन करता है 27 आवर्स में, और मून अर्थ का रेवोल्यूशन करता है 27 डेज में, जिसकी वजह से मून हमारी अर्थ से ऐसे टाइडली लॉक है जिसकी वजह से हमें मून का सिर्फ एक ही साइड दिखता है। इससे होता क्या है कि क्योंकि अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है जिसकी वजह से हम मून का 69% देख पाते हैं, और 41% जो मून है वो हम कभी भी नहीं देख पाते। लेकिन इन सारी चीज़ों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो 41% साइड है जो हम नहीं देख पाते हैं वो हमेशा डार्क ही रहती है, वहाँ पे कभी भी सनलाइट नहीं जाती, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मून सिर्फ अर्थ से टाइडली लॉक है जिसकी वजह से हम वो इस साइड नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो साइड हम नहीं देख पाते उसमें सनलाइट नहीं जाती है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। फैक्ट ये है कि उस साइड में भी उतनी ही सनलाइट जाती है जितना पूरे मून में जाती है। और ये जो मिथ है इसको फैलाने का सबसे बड़ा रोल ट्रांसफॉर्मर्स डार्क साइड ऑफ द मून इस मूवी ने। तो हाँ, अगर हम अर्थ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मून की एक डार्क साइड है जो अर्थ के लोगों के लिए हमेशा डार्क ही रहती है, लेकिन अगर हम सच में रियलिटी में बात करें तो उस साइड में भी सन की पूरी लाइट जाती है। वो अलग बात है कि हम अर्थ से उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हम ऐसा कह सकते हैं कि फिल्मों से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्मों ने हमें सिखाई हैं, और ये सारी चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगी कि आपको बता देनी चाहिए, जो मिथ्स हमें फिल्मों में दिखाई जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस चैनल की दूसरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जब तक कोई नई वीडियो नहीं आ जाती, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।